वंस अगेन वेलकम बैक सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और आज हमेशा की तरह आज भी हम हेल्थ के हवाले से कुछ आपसे बात करेंगे। ज़्यादातर टॉपिक्स हमारी कोशिश यही होती है कि जो सेहत के मसाइल हैं जो बहुत ज़्यादा हैं, भरपूर हैं हमारे पाकिस्तान में, तो उस हवाले से बात की जा सके, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जो लोग बसते हैं और हमारे वक्त न्यूज़ की स्क्रीन को फॉलो कर रहे होते हैं उनके भी बहुत सारे इशूज़ को हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं इस बैठक में कि आपके मसाइल जो हैं वो हल हो सके। सो आज एक ऐसी बीमारी जिसे उर्दू में राशा कहा जाता है, अभी मुझे डॉक्टर साहब ने बताया, और इंग्लिश में इसे पार्किंसन इस बीमारी को कहते हैं। और ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपका जो ब्रेन का केमिकल जो है वो कम हो जाता है और जिसकी वजह से आपका नर्वस सिस्टम जो है वो डिसऑर्डर होने लग जाता है। प्रॉब्लम ये होती है इसमें कि एकदम से जो आपका आपकी जो बॉडी है वो स्टिफ होने लग जाती है। ये आसाबी बीमारी है जिसमें आपके मसल्स जो हैं वो बिल्कुल स्टिफ हो जाते हैं, आपका ब्रेन जो है वो एकदम से काम करना छोड़ देता है। और कहते हैं कि अभी तक स्पेसिफिकली ये नहीं जाना जा सका, डायग्नोस नहीं हो सका कि आखिर बीमारी होती क्यों है। डॉक्टर साहब का कहना ये था कि अभी तक जितनी रिसर्च रही है उसमें ही कहते हैं कि जो ओल्ड एज लोग हैं उनमें इस बीमारी का होना ज़्यादा है, जिसमें आपका केमिकल कम हो जाता है। मेडिसिन के थ्रू उस केमिकल को नॉर्मल किया जा सकता है, लेकिन अभी तक बहुत बेहतर इलाज जो है वो शायद इसका नहीं आया कि इस बीमारी से छुटकारा हासिल किया जा सके। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन हो कि आप एकदम से काम करते करते, और जो है मोहम्मद अली बॉक्सर जो है उनको भी इस तरह की बीमारी थी कि उनकी बॉडी एकदम से स्टिफ हो जाती है, आपके मसल आपका ब्रेन काम करना छोड़ देता है, और आप कहीं पर भी बैठे हैं, आप सफ़र में हैं, आप काम कर रहे हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं, और अगर ऐसी कंडीशन हो जाए तो फिर क्या किया जाए, क्या ये बीमारी जानलेवा साबित हो सकती है, इसकी वजह क्या है, इसकी रोकथाम क्या है, ये तमाम चीज़ें आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। मैंने भी पहली बार ये लफ्ज़ सुना था राशा का, तो मैंने कहा आज ज़रूर इस पर बात होनी चाहिए। वैसे तो अल्लाह हमें ऐसी तमाम बीमारियों से बचाए। कि ज़हनी दिमागी बीमारी है जिसमें लोगों को साइकाइट्रिक प्रॉब्लम भी जो है वो फेस करने पड़ते हैं, इस पर बात होगी। हमारे साथ मौजूद हैं एक बड़ी मोहतरम शख्सियत, बारहा आपने देखा है इन्हें सलाम पाकिस्तान में, और बड़े मैसेजेस भी आपके आते रहते हैं कि डॉक्टर आपको बुलाया जाए, तो आज आपकी फरमाइश पे आ चुके हैं डॉक्टर शाहिद मुस्तफा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आपको पता है मेरी टीम भी आपका इंतजार करती है। That's very nice, thank you. अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो पार्किंसन है, ये जो राशा बीमारी है, जो थोड़ा बहुत हमने पढ़ा वो हमने बताया लोगों को, आप जरा इसकी डेफिनेशन बयान करें कि बेसिकली ये जो बीमारी है जिसमें आपका नर्वस सिस्टम जो है वो काम करना स्लो कर देता है, या ब्रेन का केमिकल कम हो जाता है एकदम से अचानक से ही हो जाता है, या स्लोली ग्रेजुअली ये चीज काम कर रही होती है। हाँ, ये पार्किंसन डिजीज बीमारी, ये असल में तो नाम तो बड़ा टेक्निकल सा है, लेकिन असल में जिस न्यूरोलॉजिस्ट ने 1817 न्यूरोलॉजिस्ट था जेम्स पार्किंसन जिसका नाम था, उसने इस बीमारी को सबसे पहले बयान किया, डायग्नोस किया, तो उसी के नाम पे इस बीमारी का नाम पड़ गया। okay. लेकिन असल में इसमें होता यह है कि दिमाग के अंदर एक केमिकल होता है जिसको हम इंग्लिश में डोपामीन कहते हैं। डोपामीन। okay. अच्छा, ये केमिकल हमारे जिसम दिमाग में मौजूद होता है, और ये हमारे सारे पट्ठों की और जॉइंट्स की उजलात की मूवमेंट्स, फास्ट मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो सारा जिसम जो है वो अकड़ जाता है, स्टिफ हो जाता है, आपकी हरकत और सकनात जो है बहुत आहिस्ता हो जाती हैं। अच्छा, ओके, मतलब हम जो हम एकदम से सोचते हैं कि मुझे अपना हाथ उठाना है और ये मैसेज जाता है, और वो केमिकल के थ्रू जो है वो आपकी वर्किंग होती है, तो वो आपकी वो जो केमिकल काम करना है वो स्लो कर देता है। स्लो, तो मैसेज बहुत ही स्लो पहुंचेगा आपके आपके पट्ठों तक, और आप बहुत आहिस्ता आहिस्ता हरकत करेंगे, जो स्टिफ हो जाएगा, अकड़ जाएगा, और आहिस्ता हरकत हो जाएंगी आपकी। और आप स्लो मोशन चीजें देख रहे होते हैं, इस तरह की चीजें। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। और दूसरा ये होता है कि इसके अंदर आपने जो शुरू में कहा राशा होता है, हाथ जो है वो कांपना शुरू कर देता है। आमतौर से एट रेस्ट होते हैं ना, अगर आपने हाथ रखा हुआ आराम से तो आप देखेंगे बाज लोगों के हाथ यूं कांप रहे होते हैं। अच्छा। तो राशा हो जाता है इसके अंदर। तो ये दो बड़ी चीजें होती हैं इसे हमारे के अंदर। अच्छा। और इसके अंदर होता यूं है कि इसकी वजह तो हमें पता नहीं अभी तक क्यों होता है, लेकिन ये हमें पता है कि सेल्स की डेथ शुरू हो जाती है। सेल्स आहिस्ता आहिस्ता वो जो बनाते हैं ये केमिकल ब्रेन के अंदर, वो ये केमिकल बनाना छोड़ देते हैं। सही। तो अचानक जाहिर नहीं होती जैसे आपने कहा, आहिस्ता 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 जब इस केमिकल की समझें कि 50-60% कमी हो चुकी होती है तब ये जाहिर होती है। तब ये जाहिर होती है।
राइट. अच्छा तो डॉक्टर स्पेसिफिकली कोई टेस्ट इसके लिए किया जाता होगा जिसमें डेफिनेटली पता चल सकता है, या शुरू में तो वैसे भी हम लोग जिस माशरे में रहते हैं हम फॉरन जाते भी नहीं है डॉक्टर के पास. हर बीमारी में यही रीज़न होता है कि वो डायग्नोस उस वक्त होती है जब वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है कि शायद वो हाथ से निकल जाए बीमारी, तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं. तो उसमें तो लोग वैसे ही बड़ा इग्नोर करते होंगे कि पता नहीं क्यों मेरे हाथ जो हैं वो सुन हो रहे हैं, नमनेस होने लग जाती है ना जब आपको इस तरह की फीलिंग आए, या जो है थोड़ी सी बॉडी में लर्जिश है. तो क्या अच्छा है एवरेज के लोग फॉरन टाइम पर आ जाते हैं या लेट होते हैं? टाइम पे तो आमतौर से लोग नहीं आ पाते क्योंकि ये बीमारी बहुत आहिस्ता आहिस्ता जाहिर होती है, शुरू में तो पता ही नहीं चलता. अच्छा वैसे क्या कंडीशन होती है डॉक्टर साहब स्टार्ट में? स्टार्ट में ये होता है कि जब जिस्म के मसल्स आहिस्ता आहिस्ता स्टिफ होना शुरू होते हैं तो चेहरे से आपको पता चल जाता है कि चेहरे के जो हरकत हैं वो बहुत स्लो हो जाती है. मसलन ये कि अगर आप और हम बैठ के बातचीत कर रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं तो हमारी आंखें जो हैं वो झपकती हैं गैर इरादी तौर से, कई मरतबा झपक लेते हैं. जिनको ये बीमारी होती है वो आंखें झपकना कम हो जाता है उनका, लगता है कि बिल्कुल वो यूं बैठे जो है वो घूर के देख रहे हैं. चेहरे की जो इंसान के जो फीलिंग्स हैं, जज्बात हैं, कोई हंस रहा है या मुस्कुरा रहा है या उसके तनाव है उसके चेहरे पर या वो परेशानी के आसार हैं जो चेहरे से देख के बता देते हैं हम कि आप तो परेशान लग रहे हैं, आप बड़े खुश लग रहे हैं, चेहरे के मसल्स की मूवमेंट से इन पेशेंट्स का बिल्कुल फ्लैट एक्सप्रेशन हो जाता है क्योंकि चेहरे के मसल्स मूव नहीं हो पाते हैं तो लगता है कि बिल्कुल जो है बगैर किसी एक्सप्रेशन के बिल्कुल स्टिफ बैठे हुए हैं. एक तो ये चीज़ हो जाती है. फिर ये होता है कि जैसे हमने जिक्र किया कि हाथ में राशा हो जाता है, हाथ हिलना शुरू हो जाता है और आमतौर से एक तरफ से शुरू होता है. अच्छा डॉक्टर साहब अगर मैं स्ट्रोक की फालिज की बात करूँ उसमें भी तो होता है ना कि आपकी बॉडी जो है वो आप राशा जैसी कंडीशन होती है नहीं या ऑलमोस्ट उससे मिलती चीज़ उससे है तो बहुत ही मुख्तलिफ चीज. उसमें तो अचानक किसी की खून की सप्लाई बंद हुई और वह हिस्सा डैमेज हो गया. इसमें इंसान फालिज इस लिहाज से नहीं होता कि कमजोर हो जाए, इसमें ये होता है कि वो अकड़ जाता है. हाँ. हिला तो सकता है इंसान तो बिल्कुल पैरालाइज हो जाते हैं ना. इसमें ये है कि ये चीज आप लाइफ मेंटेन आपकी चलती है लेकिन स्लो हो जाती है. मतलब आप अपने बाजू को हिला भी सकते हैं लेकिन स्लो करेंगे. अगर आप लेट से कि आप उठ के खड़े होकर एकदम चलना चाहें तो हम एकदम उठ के खड़े होकर चल पड़ेंगे. जिनको ये बीमारी होती है वो उनको वक्त लगता है, कोशिश करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता खड़े होते हैं और फिर चलते हैं. अच्छा अवेयरनेस है लोगों में किस तरह की भी कोई बीमारी है? शुरू में जब नजर आती है बीमारी तो इतनी कम इसमें सिम्टम्स होते हैं कि पता नहीं चलता. लोग कहते हैं कि शायद ये जो सीरियस हो गए हैं या थोड़े से उदास हो गए हैं या थोड़े से रिजर्व हो गए हैं, जो एक्सप्रेशन नहीं बता रहे. लेकिन जब बढ़ती है बीमारी आहिस्ता आहिस्ता कई महीनों के बाद, 6 महीने साल बाद, तो फिर इसके आसार बहुत प्रोमिनेंट हो जाते हैं. अच्छा तो जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है आपकी और बॉडी मूवमेंट स्लो होती जाती होगी. आप अब अच्छा जो आप सोचते हैं या फिर बोलने की स्पीकिंग पावर भी अफेक्ट होती है इससे? बहुत बहुत ही अच्छी तरफ आपने इस नुक्ते की तवज्जो दिलाई कि आपके जो बोलने की में भी जो उतार चढ़ाव है. हाँ. you know, कि कभी आवाज़ आपकी ज्यादा हो रही है, कभी स्लो हो रही है, कभी तेज हो रही है, कभी उसके अंदर भी फीलिंग्स आ रही है, वो भी फ्लैट हो जाती है. तो हम अंग्रेजी में तो उसे कहते हैं मोनोटोनस स्पीच. उर्दू में हम कह सकते हैं कि बिल्कुल जो है वो एक ही टोन में इंसान बोल रहा होता है, आहिस्ता बोल रहा होता है. आवाज़ की जो इसे कहते हैं ना, बोलने की रफ्तार भी आहिस्ता हो जाती है और उसकी टोन भी एक ही हो जाती है. अच्छा तो क्या जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है इस मतलब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कुछ अरसे या सालों बाद ये कंडीशन आपको बीमारी आपको किस तरफ ले जाती है तो आप क्या बताएंगे क्या हो जाती है हालत? हाँ. बिल्कुल बेड पर आ जाते हैं, पैरालाइज हो जाता है. असल में ये बीमारी जो है ये एक तरह से ऐसी बीमारी नहीं कि इसकी वजह से इंसान चंद सालों में कोई अपाहिज हो जाएगा. ये सालों की बीमारी यानी कि 14 साल, 15 साल, 20 साल शुरू हो के और फिर 20-25 साल बाद इंसान इस स्टेज पे आ सकता है. ठीक है. कि उसके पट्टे इतने सख्त हो जाएं कि उससे उठा भी ना जाए, चला भी ना जाए, उससे अपने हाथ पांव ना हिलाए जाएं, वो बिस्तर पहले व्हीलचेयर पर आ जाए फिर वो बिस्तर पर आ जाए. तो इस सारे प्रोसेस में 15-20 साल लग सकते हैं. ओके राइट. अच्छा तो वैसे अगर इस तरह की कंडीशन होती है आपको मसल्स में आपको क्रैम्प्स पड़ने लग जाएं, आपकी बॉडी स्टिफ हो जाए तो नॉर्मली जो है वो आप ऑर्थोपेडिक के पास जाते हैं ना. आप यहाँ आप ये सोचते हैं कि शायद ये मुझे कोई हड्डियों में तकलीफ है या मेरा मसल स्ट्रेच हो गया. आपको नर्वस सिस्टम का कोई प्रॉब्लम है, उसमें कोई डिसऑर्डर है
ये तो शायद लोगों की सोच ही नहीं जाती होगी कि इस तरफ जाके, या फिर ये तो जीपी का काम है कि अगर आप गए हैं और आपने अपने जीपी को जाकर बताया, जो आपके जनरल फिजिशियन है या जिस जिनको सो कॉल्ड हम अपने फैमिली डॉक्टर कहते हैं, कि अगर वो इतना मुखलिस है और आप उसके पास गए और आप उसको बता रहे हैं कि मुझे इस तरह की कंप्लेन है या मुझे क्रैम्प्स पड़ रहे हैं या बॉडी स्टिफ हो रही है, तो वो आपको सजेस्ट करे कि अब आपको ऑर्थो के पास जाना है या आपको जो है वो न्यूरो सर्जन के पास जाना है। बहुत 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 ही आपने अच्छा सवाल किया। असल में शुरू में इस बीमारी में ऐसा भी हो सकता है कि जोड़ अकड़ जाए तो समझें कि हिलाया ना जाए हाथ, तो लोग समझते हैं कि जी जो जोड़ अकड़ गया, हाँ, ये कोई ऑर्थोपेडिक का मसला हो गया या कोई, क्योंकि मैं आपकी जितनी बातें सुन रही हूँ मेरे ज़हन में बार बार ऑर्थोपेडिक ही आ रहे हैं कि ये तो सारा ऑर्थो का, लेकिन बेसिकली जो ब्रेन जो आपको कंट्रोल कर रहा है सिस्टम, वहां से खराब हो गया। ये आपको कह सकते हैं कि जो ब्रेन दिमाग से सिग्नल भेज रहा है ना वो स्लो हो जाते हैं, मसलन ये कि बजाय इसके कि वो हवाई जहाज की रफ्तार से यहाँ पे आए, वो समझे ट्रेन से यहाँ पे सिग्नल आ रहा है, हाँ, तो देर से आएगा सिग्नल, देर से आएगा। तो जोड़ अकड़ जाता है और वो थोड़ा सा दर्द भी करना शुरू हो जाता है। जब अकड़ जाए तो लोग समझते हैं कि ऑर्थोपेडिक का मसला, तो लोग बाजू का ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास भी जा सकते हैं, लेकिन ये कि जब हम ये देखते हैं कि उसके साथ हाथ में भी राशा हो रहा है, चलने में भी मुश्किल हो रही है, सिर्फ एक हाथ तक जो है ये बीमारी नहीं है, पांव में भी आ रही है, तो फिर हमें जरूर सोचना चाहिए। अच्छा, कि तो ये जो आप कह रहे हैं राशा मतलब कब कबाहट शुरू हो जाती है ना, तो कंटिन्यू रहती है हाथों पैरों में? शुरू में तो एक तरफ से शुरू होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब बीमारी बढ़ती है, जो ब्रेन की डिजनरेशन जो हो रही है, तो फिर वो दूसरी तरफ भी आ सकती है। अच्छा। और फिर ऐसा ऐसा पूरा जिस्म जो है वो अकड़ सकता है, स्लो हो सकता है। अच्छा, क्या मर्दों में ये चीज बीमारी ज्यादा है या खवातीन में? थोड़ी सी मर्दों में इसकी इंसिडेंस थोड़ा सा ज्यादा होता है। अगर कुछ थोड़ा बहुत रीजन इसका पता चल सका क्यों है, क्योंकि मैंने भी बहुत जगह पर रिसर्च की और मैंने जानने की कोशिश की कि वजह मालूम हो सके, लेकिन हर जगह यही लिखा है कि अभी डायग्नोस किया जा रहा है कि होता क्यों है, लेकिन ये है कि ये आहिस्ता आहिस्ता ये केमिकल स्लो होने लगता है आपके ब्रेन से और उसके बाद जो है वो आप इस तरफ चले जाते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, अभी तक मेडिकल साइंस इसकी एग्जैक्ट रीजन नहीं पता चला सकी। ये तो हमें पता है कि क्यों हो रहा है, ब्रेन में क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये तो हमें पता चल जाता है, लेकिन ये है कि कुछ चीजें हमें जरूर पता है। मसलन ये कि कुछ जेनेटिक पार्किंसन डिजीज होती है। अच्छा, ओके। उसके अंदर ये होता है कि जीन्स होती हैं जो कि आइडेंटिफाई हैं कि उनमें फैमिलीज में होती है, तो उनमें बहुत अर्ली एज में 20 साल में 30 साल में भी शुरू हो सकती है। तो एक तो जेनेटिक वजह हो गई। क्या कोई इस तरह का मेडिकल, मैं क्योंकि मेडिकल की स्टूडेंट नहीं हूँ ना, मुझे पता है, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या यंग एज में कोई ऐसा बॉडी का टेस्ट कराया जा सकता है जिसमें आपको ये पता चल जाए कि आपको जीन्स में ये बीमारियां मिली हैं जो अभी तक आइडेंटिफाई ना हो सकी हों या एकदम से वो बाहर ना निकल के आई हों, ताकि आप उनकी एहतियात बरती जा सके। जिस तरह शुगर है या कुछ वो लोगों की बॉडी में कैंसर के भी सिम्टम्स होते हैं लेकिन वो जाहिर नहीं होते, और आई थिंक उसके लिए तो एक टेस्ट है भी कैंसर के लिए, बट ओवरऑल मैंने सुना है वो बहुत एक्सपेंसिव भी और अभी पाकिस्तान में शायद नहीं होता है। तो ऐसा कोई टेस्ट है जिसमें आप ये जान सकें कि आपकी बॉडी में कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो बाहर निकल सकती हैं, ताकि आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकें? ऐसा कोई एक टेस्ट तो नहीं हम करवा सकते। मेरे ख्याल में आपको जीन से मिली हुई बीमारियों का पता चल, अगर आपकी फैमिली में, अगर खानदान में कोई बीमारी ऐसी चल रही है जो कि बहुत ही, जिसको हम जेनेटिक काउंसलिंग का नाम देते हैं, कि जिसका चांस हो, जिस तरह जीन्स की जेनेटिक बीमारियां भी ऐसी होती हैं कि कुछ डोमिनेंट होती हैं तो उनके आपके बच्चों में आने के चांस ज़्यादा होता है, कुछ रिसेसिव होती हैं जिसमें चांस कम होता है, तो अगर आपकी खानदान में कोई बीमारी ऐसी चल रही है और माँ बाप जानना चाहते हैं कि जी हमारे बच्चों में कितना चांस है, या अगर कोई बच्चा पैदा हो गया है तो उसमें ये है कि नहीं है, तो फिर उनकी कंसेंट, उनसे बातचीत करने के बाद टेस्ट कराए जा सकते हैं उस खास बीमारी का। अच्छा, ओके, उस स्पेसिफिकली उसको आइडेंटिफाई करके। अच्छा, कौन सी जो दिमागी बीमारियां ऐसी हैं जो आपको जीन से मिलती हैं? बहुत सारी हैं, जिस तरह पार्किंसन डिजीज भी होगी, इसी तरह एपिलेप्सी भी खास। अच्छा, मतलब मिर्गी की जो बीमारी है वो भी आपको जीन से मिल सकती है? बिल्कुल, वो भी जीन से मिल सकती है। इसी तरीके से डिमेंशिया जिसकी हम बात करते हैं, भूलने की बीमारी जो होती है, वो भी खास किस्म के डिमेंशिया ऐसे होते हैं जो जीन से मिल सकते हैं। स्ट्रोक की तुम्हारे बड़े बाप को भी भूलने की बीमारी थी, तुम भी वैसे ही हो। ये तो खैर ऐसी घर की एक घरेलू लैंग्वेज होती है, लेकिन ऐसा होता है डॉक्टर साहब? हर अब तो खैर चूंकि साइंस ने तरक्की कर ली है कि तकरीबन हर बीमारी के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो जीन्स का बिल्कुल आ जाता है। कहीं उनका जो रोल बहुत ही स्ट्रांग होता है जिससे वो लगता है कि जी अगर इनको हुई तो बच्चों में 50% चांस है, और कहीं उनका रोल बहुत थोड़ा होता है, यानी कि ऐसा होता है कि जीन्स के अंदर आप में पैदा होने का चांस तो है
लेकिन ये कि अगर और भी बहुत सारी चीजें हो गई हैं, आपका लाइफस्टाइल है, environment है, आपका क्या, आपके फूड, आपके खुराक कैसी है, आपकी गैदरिंग कैसी है, बिल्कुल, तो फिर वो एड अप होके बीमारी बना दें। हाँ, गैदरिंग से इसका लफ्ज मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि ये आप स्मोकिंग और ये शीशा और ये तमाम चीजें जो हमने पहले प्रोग्राम भी किया था, ये अक्सर अब आपको सो कॉल्ड आपकी गैदरिंग से मिल रहा होता है। फैशन सिंबल स्टेटस बन गया ना ये, तो आप गैदरिंग में अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए इस तरफ आते हैं और ये फिर आपका लाइफस्टाइल कहलाता है और ये आपको नुकसान पहुंचाता है। इस बीमारी का इलाज क्या किया जाए और अगर आप इस बीमारी का शिकार हैं तो आपको किस तरह इसका ट्रीटमेंट करना है, ये चीजें हम डॉक्टर साहब से जानेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर शाहिद मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद हैं और कितनी नई नई बीमारियां आ गई हैं ना। मेरी नानी जो हैं, मैं अक्सर उनकी बातों का जिक्र करती हूं, तो वो यही कहती थी कि पहले जब गांव देहातों में लोगों की डेथ हो जाती थी तो बस यही कहते थे, पता नहीं क्या हुआ, अचानक से बीमार हुआ और चला गया। लोगों को अवेयरनेस ही नहीं थी कि इस तरह के, लेकिन आज यकीनन उस वक्त एवरेज भी बड़ा कम था लोगों का कि उनकी बीमारियों से डेथ होती थी। लाइफस्टाइल बड़ा डिफरेंट था, माहौल बड़ा मुख्तलिफ था, पोल्यूशन नहीं थी। आज हमारी शहरी जिंदगियां, हमें डिप्रेशन इतना ज़्यादा है, पोल्यूशन इतनी ज़्यादा है और हमारी लाइफस्टाइल, हमारी खुराक इतनी चेंज हो चुकी है कि अब नई नई बीमारियां भी जो है वो आ गई और वो हम पर असरअंदाज भी होती हैं। आज भी इसी तरह की एक बीमारी है, मैं बार बार इसका नाम भूल जाती हूँ, पार्किंसंस, इस बीमारी को जिसको राशा भी कहा जाता है, जो आपको एक दिमागी बीमारी है जिसमें आपका जो दिमाग का केमिकल है वो कम हो जाता है और जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो स्लो काम करने लग जाती है। कुछ देर के लिए ज़रा सोचें कि अगर मुझे ये ग्लास उठाना है और मैं एकदम से मैसेज जाता है और उसके बाद मेरा हाथ आगे बढ़ता है, लेकिन ये हाथ बढ़ना वक्तन फवक्तन स्लो होता जाएगा तो मुझे कितनी तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, क्या पेनफुल भी डिसीज़ है ये या सिर्फ ये आपकी बॉडी स्टिफ हो जाती होगी तो पेन भी यकीनन बढ़ता होगा ना? हाँ, इट्सेल्फ खुद से तो पेनफुल डिजीज नहीं है ये, ठीक है, लेकिन ये कि जब आपकी बॉडी स्टिफ होना शुरू होती है तो फिर आपके जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। इसी तरीके से आपके मसल्स में और पेन शुरू हो जाएगा, बैक पेन शुरू हो जाती है लोगों को, गर्दन में दर्द शुरू हो जाती है, तो स्लो होने के नतीजे के अंदर जो फिर जोड़ों के अंदर जो प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं उनकी वजह से दर्द हो। अच्छा, तो फिर क्या ये आगे जाके ऑर्थो भी बन जाती है बीमारी, ऑर्थो का भी इसको इशू फेस करना पड़ता है? हो सकता है, बाज़ुकात ऐसे लोग हैं जो अपने हाथ, लेट्स से कि उनका हाथ इतना अकड़ गया है कि अपने वो शाने को नहीं हिला पा रहे हैं तो शाना अकड़ जाएगा, फिर वो एक ऑर्थोपेडिक इशू बन, प्रॉब्लम बन जाएगी, फिर उनको दिखाकर उसकी ट्रीटमेंट करवानी पड़ेगी, उसकी ट्रीटमेंट कर। डेफिनेटली इसमें डॉक्टर साहब बता रहे हैं आपकी जॉइंट्स का प्रॉब्लम है, आप कैसे उठे बैठेंगे, तमाम चीज़ें। एक कॉलर भी मौजूद है, फिर उसके बाद मैं इसके सिम्टम्स की तरफ, इसके ट्रीटमेंट की तरफ आऊँगी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करिए, थोड़ा सा लाउड बोलिए। मैं नुसरत बोल रही हूँ इस्लामाबाद से। जी नुसरत, कहिए। ये डॉक्टर साहब से पता करना था, ये मेरे भी पता नहीं मसल्स का मसला है, पेन जिस्म में बहुत रहती है, गर्दन, डॉक्टर कहते हैं गर्दन में पेन मसला है, गर्दन के पट्टे खींचे हुए हैं, लेकिन हाथों में भी स्वेलिंग है, हाथों के ज्वाइंट पे और गर्दन में पेन, कमर में बुरी हालत होती है सुबह जब उठती हूँ तो। दो दफ़ा MRI भी हो चुकी है, एक्सरे वगैरह भी हुए हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं बता रहे डॉक्टर के क्या मसला है। अच्छा, MRI में उन्होंने कुछ आपको बताया है कि क्या प्रॉब्लम? यही कहते हैं कि मसल खींचे हुए हैं, मसल स्टिफ हुए हैं। अच्छा ठीक है, ओके ओके। डॉक्टर आप कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? नहीं, हम उन्हें डिस्कस करते हैं, बहुत शुक्रिया डॉक्टर। ये मेरा स्वेलिंग बहुत है ज्वाइंट से, इसका भी बताइएगा हाथ। ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ ये इनकी बात को ही मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगी कि ये शिकायत बहुत सारे लोगों को है कि मुझे पट्ठों में तनाव रहता है, मसल्स खींचे हुए रहते हैं और MRI वगैरह भी ठीक है, छोटे बड़े जोड़ तमाम दुखना डॉक्टर। और ये जिस हम बीमारी की बात करें इसमें भी ऑलमोस्ट इसी तरह का तनाव और आपको खिंचाव है, तो क्या ये एक रीजन होता है कि जब आपका MRI और एक्सरे में कुछ नहीं आ रहा होता तो कोई नर्वस सिस्टम की वजह से है ये सब? हराम मगज की कोई बात करते हैं फिर अक्सर डॉक्टर। असल में जो MRI इसलिए कराया जाता है, MRI गर्दन का, ये देखने के लिए कि जो आपका हराम मगज है उसको कोई डैमेज तो नहीं है, कि प्रेशर किसी कंप्रेशन की वजह से, या आपके जो नर्व्स जो निकल के आपके हाथों में और टांगों में जा रही उनमें कोई डैमेज तो नहीं है, वो एक वजह हो सकती है आपके दर्द होने की। लेकिन अगर सारे जिस्म के अंदर ही दर्द महसूस हो रहा है और पट्ठों का खिंचाव महसूस हो रहा है तो फिर, या जोड़ों में दर्द हो रहा है तो फिर हमें ये देखना चाहिए कि कोई अर्थराइटिस की बीमारी तो नहीं है, ठीक है?
या कोई और ऐसी जिस्मानी बीमारी तो नहीं जिसमें ये सिम्टम्स हो सकते हैं, कोई थायराइड की इलनेस तो नहीं है, इसी तरीके से किडनी या लिवर डैमेज तो नहीं है, और बाज़ का सब टेस्ट नॉर्मल हो, तो फिर आमतौर से हम उसको सिम्टोमेटिकली यानी कि फाइब्रोमायल्जिया की कैटेगरी से हम ये कह देते हैं कि मसल्स में थोड़ी सी सोजिश है और उसको हम फिर हम दवाइयों से ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की जब सिचुएशन आती है तो उसके अंदर लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसका ऐसे पेशेंट्स को एक्सरसाइज रूटीन बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो अपने वेट को कंट्रोल रखें, हेल्दी डाइट रखें, एक्सरसाइज करते रहें, अपने आप को एक्टिव रखें, तो फिर तो ऐसे पेशेंट्स अपना पेन फ्री जिंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, आप देखें ना, एक शख्स है जो तकलीफ में है, ठीक है, वो बैक की तकलीफ में है, उसके हाथ सूज जाते हैं, उसके छोटे बड़े जोड़ जो है वो दुखने लग जाते हैं। पहली प्रॉब्लम ये कि आपको काम करने में मुश्किल आते हैं, काम करने से मुराद आप खुद अपने आप को ट्रीट नहीं कर पाते। उसके बाद आप डॉक्टर के पास गए, दो MRI कराए, आपने पैसा भी खर्च किया, MRI भी बहुत कुछ सस्ते में नहीं हो जाता, उसके बाद भी आपका डायग्नोसिस नहीं हो सका, तो वैसे भी इंसान परेशान होता है ना। और यहाँ डॉक्टर का कितना अहम किरदार है कि अगर उसने एक बार MRI कराया और नहीं इसको रिजल्ट आ रहा तो फिर वो किसी और टेस्ट की तरफ जाए। एटलीस्ट टेस्ट होने के बाद भी अगर डायग्नोसिस नहीं होता तो मुझ जैसा इंसान तो वैसे ही परेशान हो जाता है। हाँ, इंसान को अगर अपनी बीमारी का नाम पता ना चले तो इंसान बहुत परेशान रहता है। लेकिन ये कि बाज़ का टेस्ट कराने का ये मकसद भी होता है कि हम देख लें कि कोई ख़तरनाक वजह तो नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। अब लेट्स से इनका MRI गर्दन का हुआ तो बाज़ का ख़तरनाक वजूहत होती हैं। अगर अल्लाह का शुक्र है इनका, अगर हमारे गर्दन कमर का ठीक है तो शुक्र करना चाहिए कि कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसके लिए ऑपरेशन की ज़रूरत है या कोई नर्व डैमेज नहीं हो रहा। लेकिन दूसरी हद तक उनको दर्द भी हो रही, तकलीफ भी हो रही, उसका फिर दवाइयों से इलाज हो सकता है, पेन मैनेजमेंट से इलाज हो सकता है, लाइफस्टाइल चेंजेस, एक्सरसाइज, फिजिकल थेरेपी से उसका इलाज हो सकता है इनकी तकलीफ। नहीं, आपने ये बहुत अच्छी बात की, जरूरी नहीं है कि डॉक्टर सिर्फ इसीलिए टेस्ट कराए कि वो टेस्ट खराब आएगा। अच्छी बात है अगर आपका टेस्ट या आपकी रिपोर्ट सही आई है तो ये इस पे आपको शुक्र करना चाहिए। लेकिन द पॉइंट इज के अगर ऐसा नहीं है तो फिर आखिर दर्द क्यों नहीं जा रहा, पेन मैनेजमेंट क्यों नहीं हो पा रही? तो इसलिए डॉक्टर का अच्छा होना, जो मैं अभी ब्रेक में डॉक्टर साहब से बात करनी थी, वो कितना जरूरी है डॉक्टर साहब? असल में ऐसे में वाकई में आपकी बात सही है कि मरीज भी फ्रस्ट्रेटेड होता है और कुछ हद तक डॉक्टर भी फ्रस्ट्रेटेड होता है कि मैं कोई जितने भी हमने टेस्ट कराए हैं, एग्जामिनेशन किया, उसमें कोई बीमारी का नाम नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऐसी सूरत हाल में दोनों का मिल बैठ कर बातचीत करना, पहले तो ये डॉक्टर की भी जिम्मेदारी है कि वो समझाए मरीज को कि भाई अल्लाह का शुक्र आपको कोई ख़तरनाक बीमारी नहीं निकली है जिसका किसी ऑपरेशन की ज़रूरत है, या खुदा न खास्ता ये बढ़कर कोई ऐसी ख़तरनाक सूरत अख्तियार कर जाएगी। पहले तो उनको एक्सप्लेन कर दें और उसके बाद फिर ये कि मिल बैठ कर देखें कि जी इसकी हमने पेन मैनेजमेंट कैसे करनी है, और उसके बहुत आजकल अच्छे तरीके हैं, दवाइयाँ भी मौजूद हैं, और लाइफस्टाइल चेंजेस में फिर एक मरतबा इस चीज़ के ऊपर वापस आऊँगा कि मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं इनका जो लॉन्ग टर्म रिलीफ मिलता है वो लाइफस्टाइल चेंजेस से मिलता है। Exactly. कि आप एक्सरसाइज का रूटीन बनाएं, अपने वेट को कंट्रोल रखें, हेल्दी डाइट रखें, अच्छी नींद लें, स्ट्रेस से, परेशानी से अपने आप को बचाएं, और अगर वो एक बहुत बड़ा इशू है तो उसको ट्रीट कराएं। इस तरह की बीमारियों का इलाज इस तरीके से होता है। राइट, और इस पेन में वैसे भी कहते हैं कि आपका राइस है या पोटैटोज हैं या इस तरह की जो बड़ा गोश्त है, ये तमाम चीज़ें आपको छोड़नी पड़ती हैं। अगर इस तरह की तकलीफ है तो बहुत ज़्यादा डाइट से जो है वो आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं वापस आऊँगी, जो हम बीमारी राशा के हवाले से, पार्किंसंस के हवाले से बात कर रहे थे, अगर ये बीमारी डायग्नोज हो जाती है तो उसके लिए टेस्ट किया, पहले टेस्ट किया जाता है, वो कौन सा टेस्ट होता है डॉक्टर साहब? ये वैसे एक वाहिद न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जिसके लिए किसी टेस्ट की जरूरत नहीं होती, ना ही इसका कोई टेस्ट है, डॉक्टर खुद ही जानता है। बिल्कुल, बल्कि ये बीमारी तो ऐसी है कि अगर डॉक्टर जो है वो तवज्जो से पेशेंट देख रहा है तो बाज़ का जब मरीज दरवाजे से अंदर दाखिल होकर कुर्सी तक आके बैठते तो ये डायग्नोज हो जाती है बीमारी। अच्छा, इसके सिम्टम्स इतने ऑब्वियस होते हैं, ठीक है, यानी कि इसके लिए सिर्फ बैठकर मरीज से बात करने से ही डायग्नोस हो जाती है। इसका कोई टेस्ट नहीं है, कोई MRI नहीं है, कोई कैट स्कैन नहीं है, कोई ब्लड टेस्ट नहीं है। अच्छा, तो इस तरह का पेशेंट आता है आपके पास और वो वैसे भी आप जब जिस तरह आपने कहा कि जब वो एंटर होता है तो आपको आइडिया हो जाता है, अब ऐसा पेशेंट आके बैठ गया तो फिर आप उसको क्या सजेस्ट करते हैं, उसकी लाइफस्टाइल, उसकी मेडिसिन, वो तमाम चीज़ें हमें बताइएगा कि क्या चीज़ें होती हैं जो आप उसको प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं। लेकिन पहले कॉलर शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? जी मैं नसरीन में आ रही से बात कर रही हूँ। जी नसरीन कहिए। हाँ जी, मुझे डॉक्टर साहब से पूछना है कि जब मैं पैदा हुई थी ना, मेरी रीढ़ की हड्डी पे लाइपोमा था। अच्छा, वो डॉक्टर से पहले तो डायग्नोज ही नहीं हुआ, फिर डायग्नोज हुआ तो डॉक्टर साहब को पता होगा, डॉक्टर इफ्तिखार राजा साहब। Okay.
उन्होंने मेरी सर्जरी की थी। ठीक है, उसके बाद लाइपोमा भी दोबारा हो गया। मैंने तकरीबन सारे कराची तक न्यूरोसर्जन से कंसल्ट किया है। उन्होंने कहा कि 50% चांस है कि आप पैरालाइज हो जाए ऑपरेशन से मुकम्मल तोड़ते ना। लेकिन ये क्या मेरी रीढ़ की हड्डी भी टेढ़ी होनी शुरू हो गई है, एमआरआई में यही आया। बाकी मेरी टांगे छल रहती है, पाँव में बहुत दर्द रहता है। आपकी उम्र कितनी है? आप मेरी 38 है। अच्छा, और आप विहाड़ी में रहती हैं? हाँ जी, विहाड़ी में रहती हूँ। अच्छा, आप हिम्मत रखें और मैं आप फोन मत रखिएगा। मैं अपने प्रोड्यूसर डॉक्टर साहब की इजाजत से कह देती हूँ कि आपको डॉक्टर साहब के क्लिनिक का नंबर दे देते हैं, अभी हम डिस्कस भी करते हैं और आप प्रोग्राम के बाद बात भी कर लीजिएगा, ताकि आप अपनी रिपोर्ट्स अगर इनको भिजवा सकें, ईमेल कर सकें, तो फिर डॉक्टर साहब क्या कर सकते हैं इसके लिए। डॉक्टर साहब प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे ना कि आप जरूर देखिएगा। अच्छा, जो इन्होंने स्पेसिफिकली बीमारी का नाम लिया, मैं उस बीमारी को नहीं सुना मैंने या नहीं जानती, थोड़ा डिस्क्राइब कीजिएगा कि किस प्रॉब्लम को ये सफर कर रही हैं। बहुत तफसीलात तो नहीं मिली, लेकिन लगता है ये कि इनकी जो पैदाइशी तौर से ये रीढ़ की हड्डी जहाँ ख़त्म होती है, वहाँ पे जो फैट्स होती हैं, जो चर्बी के सेल्स होते हैं, वो अगर बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएं, तो उन्होंने लाइपोमा का नाम लिया, तो वो ग्रो करके एक छोटा सा ट्यूमर सा बना देते हैं। अच्छा, ये इन्होंने कहा पैदाइशी था मुझे? हाँ बिल्कुल, तो वो लाइपोमा जो फैट की कलेक्शन होती है, वो अगर फिर नर्व्स को प्रेस करेगा, तो फिर आपकी टांगें जो हैं उसमें पैरालाइज हो सकती हैं, आपके पेशाब का कंट्रोल मुतासर हो सकता है, और उस सूरत हाल में अगर ये चीज़ें हो रही हों, तो फिर न्यूरोसर्जन आमतौर से सर्जरी एडवाइस करते हैं, ताकि ये जो फैट की कलेक्शन, जो छोटा सा ट्यूमर लाइपोमा है, इसको हटाया जाए और इसका प्रेशर खत्म किया जाए। अच्छा, ताकि इन्होंने यहाँ एक और बात कही थी कि सर्जरी हुई, रिमूव कर दिया गया और वो दोबारा से ग्रो हो गया है। बाज़ुकात ऐसा होता है कि ये अगर मुकम्मल तौर से रिमूव ना हो, थोड़ा सा भी रह जाए, तो वो भी दोबारा जो है ग्रो करना शुरू हो जाता है। अच्छा, तो यहाँ सर्जरी में रह गई होगी प्रॉब्लम, जिसकी वजह से? देखिए, ये कहना तो बहुत मुश्किल काम है कि सर्जरी में रह गई, क्योंकि बाज़ुकात कुछ हमारी ऐसी होती हैं जो कि मुकम्मल तौर से नहीं भी निकल सकती हैं, लेकिन ये कि इनके लिए तो बेहतरीन एडवाइस ये होगी कि किसी अच्छे न्यूरोसर्जन से अपना को दिखाती रहें, अच्छे डॉक्टर हमारे पास मौजूद हैं, एटलीस्ट आप इनसे जो है वो ज़रूर सजेशन ले सकती हैं। बाकी आपको जो ट्रीटमेंट बताएंगे वो ज़रूर कीजिएगा। तो आई होप प्रोग्राम के बाद आप कॉल कर लीजिएगा अपनी पूरी कंडीशन बता के। सो मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको सेहत दे। एक कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? जी, मैं तैयबा बात कर रही हूँ शेखपुरा से। जी तैयबा, आप कैसी हैं? जी, मैं आपकी रेगुलर कॉल से वो करती रहती हूँ आपको। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके तैयबा जी। मेरा क्वेश्चन है एक डॉक्टर साहब से। जी जी, एक्चुअली मुझे ना तकरीबन 2 साल पहले प्रॉब्लम ये हुई थी कि मेरी हेड की जो है ना लेफ्ट साइड पे जो कनपट्टी है, वहाँ से हल्की सी स्वेलिंग स्टार्ट हुई थी। रेडनेस आई थी फेस पे, मतलब उसी साइड पे। और उसके बाद जो है वो मैंने न्यूरोसर्जन को चेक करवाया, उन्होंने MIR टेस्ट वगैरह किए, तो उन्होंने कहा कि रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर है आपकी, जैसे आपका जो है ना वो फेशियल नर्व जो आती है ना, उसमें थोड़ा सा हुआ है प्रॉब्लम, वायरस अटैक। ठीक है जी, तो आप मुझे वैसे तो कोई इतना इशू नहीं है, मैंने तकरीबन 3 मंथ्स मेडिसिन यूज की थी ना उनकी, तो लेकिन कभी कभी मुझे ये लगता है कि ये मेरा सही डायग्नोज हुआ ही नहीं था। अच्छा। ये मेरा प्रॉब्लम है टेंशन और वर्क लोड से रिलेटेड जो मैंने असेसमेंट की है। अच्छा, तो अभी स्वेलिंग है, रेडनेस है या खत्म हो गई है? नहीं नहीं, तब आती है जब मैं बहुत ज्यादा अपने आप को हेक्टिक फील करती हूँ, वर्कलोड ज्यादा हो जाता है, या मैं मेंटली स्ट्रेस लेती हूँ। अच्छा ठीक है डॉक्टर, कोई सवाल है आपका इनसे? नहीं, मेरे ख्याल में सवाल तो नहीं है। अच्छा, ऑन एयर हम डिस्कस करते हैं, तब आप सुनेंगे गौर से डॉक्टर साहब आपको क्या सजेस्ट करेंगे। थैंक यू आपकी कॉल का। जी डॉक्टर, हाँ जाहिर है कि इन्होंने अपनी तकलीफ बताई है, चल भी रही है, परेशान भी बहुत हैं और इसकी वजह से काफ़ी तकलीफें भी हैं। बेहतरीन तो ये होगा कि एक मरतबा इनका मुआयना होना चाहिए, अगर न्यूरोलॉजिस्ट से किसी अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा सकें, ताकि तफसील से इनकी बात सुने, इनको तकलीफ क्या है, मुआयना करें और उसके बाद देखें कि डायग्नोसिस करें कि क्या डायग्नोसिस है। अब चेहरे पे इनकी प्रॉब्लम हो रही है कि ये फेशियल नर्व की प्रॉब्लम है या ट्राइजेमिनल नर्व की प्रॉब्लम है, और स्ट्रेस से भी इसका ताल्लुक लग रहा है, और उनका स्ट्रेस भी है, वर्कलोड भी है, तो ये जिस तरह की तकलीफ बता रही है ये मुझे खतरनाक तो नहीं लगती है, और दवाइयों से ट्रीट भी हो सकती है, लेकिन ये कि ज़ाहिर है कि बगैर देखे
एग्जैक्ट एडवाइस देना तो मुश्किल काम है। अच्छा, तो आप अभी इनको यही सजेस्ट करेंगे कि इनको वन टू वन किसी डॉक्टर के पास जाकर जो है वो आपको दिखाना पड़ेगा, और उसके बाद जो है, अब वैसे इन्होंने कहा मैंने 3 मंथ्स मेडिसिन यूज की है और अब मुझे फायदा है, लेकिन उनको खुद ऐसा लगता है कि जब मैं वर्क ज्यादा लोड ले लेती हूँ या टेंशन लेती हूँ तो फिर वो चीज दोबारा से बढ़ जाती है। तो आप जरूर, आई डोंट नो आप कहाँ से कॉल करी थी, कराची से थी या बाहर से थी, तो आप अगर कराची में है तो आप डॉक्टर शाहिद मुस्तफा से मिल सकती हैं, या अगर कहीं आप बाहर हैं तो वहाँ पर जो भी अच्छे डॉक्टर हैं आप उनसे ज़रूर जाइए और अपनी प्रॉब्लम को बेहतर डायग्नोज करा के उसका इलाज कीजिए। राइट जनाब, वापस आएंगे पार्किंसंस पे। डॉक्टर साहब, ट्रीटमेंट क्या है इसका? हाँ, पार्किंसन की ट्रीटमेंट जो है वो हम दवाइयों से करते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये तो हमको पता है कि डोपामाइन जो केमिकल है उसकी कमी हो गई है, तो आप केमिकल दे दें उनको, उसकी केमिकल की को कमी की पूरा करने की कोशिश करते हैं। और आजकल इसके लिए कोई 3-4 मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ मौजूद हैं और अल्लाह का शुक्र पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, और उसको फिर हम लो डोज में स्टार्ट करते हैं, और चूँकि हमें यह भी पता है कि इसकी ट्रीटमेंट कई सालों तक रहेगी तो फिर हम उसकी डोज एडजस्ट करते रहते हैं हर मरीज की ज़रूरत के मुताबिक। अच्छा, क्या ये बीमारी ख़त्म होने वाली है या ये रहती है कंटिन्यू? ये बीमारी बदकिस्मती से ऐसी बीमारी जो ख़त्म नहीं हो सकती। अच्छा। क्योर नहीं हो सकती है। ओके। लेकिन ये कि हम बहुत अरसे तक दवाइयों से इसका इलाज कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इस बीमारी में जो मेडिसिन है डेफिनेटली उसकी मैनेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको कंटिन्यू रखती हैं, तो जब आप केमिकल को कंट्रोल कर रहे हैं तो उसके बावजूद भी ये ख़त्म नहीं होती बीमारी? बहुत सालों तक तो कंट्रोल हो जाती है, सिम्टम्स उसके बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाते हैं, लोग अपनी जिंदगी के मामला, लेकिन लाइफ स्टाइल में तो फर्क पड़ता है, लाइफ स्टाइल में फर्क पड़ सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हम जो पेशेंट है उसके उसको ज़रा बैठ कर समझा दें कि जी ये बीमारी है, इसको हम मुकम्मल तौर से ठीक नहीं कर पाएंगे, क्योर नहीं कर पाएंगे, और हो सकता है इसके सिम्टम्स को 100% भी ना कंट्रोल कर सकें, लेकिन ये ज़रूर है कि शुरू में हम 70-80% कंट्रोल कर लें। अच्छा। इतने कंट्रोल कर लें कि आप अपनी ज़िंदगी के मामला सर अंजाम दे सकें। अच्छा, ओके। जॉब कर सकें। लाइफ स्टाइल क्या सजेस्ट करते हैं और क्या मैनेजमेंट देते हैं आप पेशेंट को, वो भी जान लेंगे डॉक्टर साहब से, लेकिन पहले कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम यूसुफ साहब, कैसे हैं आप? बेटा अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? आपको और डॉक्टर साहब को बहुत बहुत सलाम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब से मालूमाती सवाल आज मैं करना चाहता हूँ। जी कहिए। डॉक्टर साहब, ये जो फालिज है, ये मेन आपका सब्जेक्ट है, तो ये फालिज क्या सिर्फ दिमाग की राग रग खराब होने से या फटने से या प्रेशर से या ट्यूमर से, इसके अलावा भी कोई वजूहत हो सकती है फालिज की? इस पर जरा रोशनी डाल दें। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। वैसे स्ट्रोक पर हम एक शो कर चुके हैं, लेकिन फिर भी जो उन्होंने सवाल किया कि क्या यही रीजन हो सकते हैं फालिज? हाँ, मुख्तसरन तो यूसुफ साहब की सवाल ये जो फालिज क्यों होता है, फालिज इसलिए होते हैं कि जो दिमाग को खून की सप्लाई जाती है उसकी, वो खून की शरियानों से जाती है, अगर वो शरियान बंद हो जाए या फट जाए, दोनों सूरतों में फालिज हो सकता है। ओके, राइट जनाब। और अगर मजीद भी आप लोगों के सवालों से सवाल हैं तो इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम से हम दोबारा स्ट्रोक के हवाले से बात कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं तो उनको बारहा डिस्कस करना भी बड़ा ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, आप लाइफ स्टाइल क्या सजेस्ट करते हैं एक पार्किंसंस डिजीज़ के मरीज को? इनके लिए तो लाइफ स्टाइल का चेंज होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि हम शुरू से ही कहते हैं कि फिज़िकल थेरेपी एक्सरसाइज का एक लाइफ लॉन्ग इनको करना पड़ता है, इसलिए कि ऐसे लोगों के मसल्स जो हैं वो स्ट्रांग रहने चाहिए, इनके जॉइंट्स की मूवमेंट सही रहनी चाहिए, इनकी बैलेंस सही रहना चाहिए, तो इनके लिए एक्सरसाइज तो बहुत ही ज़रूरी होती है। okay. न सिर्फ इसलिए कि जो बीमारी के असरात का मुकाबला करने के लिए, बल्कि इसलिए भी कि इस बीमारी के अंदर बाज़ात कुछ साइकियाट्रिक सिम्टम्स भी हो जाते हैं, लोग डिप्रेस भी हो जाते हैं, लोग ज़रा उदास भी हो जाते हैं, जो इस बीमारी का हिस्सा होती है, तो एक्सरसाइज बाज़ात उसका मुकाबला भी कर लेती है, उसके सिम्टम्स को भी इम्प्रूव कर लेती है। अच्छा, वैसे ये डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि अगर आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है या आप साइकाइट्रिक प्रॉब्लम का शिकार हैं तो अगर आप एक्सरसाइज करते हैं ना तो वो आपको हील करती है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपके बीमारी के लिए भी, आपकी सेहत के लिए भी, इवन के आप बुढ़ापे से भी बचते हैं, ये एक ऐसी चीज़ है आपको यंग रखती है, तो ज़रूर एक्सरसाइज किया कीजिए। लेकिन हमारे लोग तो एक्सरसाइज करना मुनासिब ही नहीं समझते, समझते कि ये तो शायद ये भी एक फैशन है,
एक फैशन नहीं है, ये हमारी ज़रूरत है। जिस तरह खुराक हमारी ज़रूरत है ना, इसी तरह एक्सरसाइज भी हमारी ज़रूरत है। अल्लाह करे कि मुझे नहीं पता कितने सालों बाद ये चीज़ आम होगी, लेकिन आई थिंक अगर हम आज जिस तरह हम बात करते हैं हमेशा एक्सरसाइज करें, एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग करना शुरू कर देंगे। लेकिन अभी भी डॉक्टर साहब इतना ज़्यादा है नहीं लोगों में इसकी अवेयरनेस। बस एक्सरसाइज असल में ये कि ऐसा है जिसमें थोड़ा सा इंसान को कोशिश करनी पड़ती है, एफर्ट करना पड़ता है, तो हम इंसान थोड़ा सा सहल पसंद होता है। फिर आजकल का जो जिंदगी का लाइफ स्टाइल भी तो ऐसा है ना कि आप सुबह उठे और आप गाड़ी में बैठे या मोटरसाइकिल में बैठे या बस में बैठे, आप दफ्तर पहुँच गए, दफ्तर में भी आप जाके बैठ के आपने काम किया, वहाँ से वापस आए, वापस जब आप पहुँचते हैं तो आप कहते हैं मैं थका हुआ हूँ, सोफे पर बैठे सामने टीवी खोला तो बस सोफे पर धंस जाता है, उसे उठना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर इंसान इसको एक गौर से प्रायोरिटी बना ले कि जी ये मेरी जिंदगी का एक रूटीन बन जाए और इससे मुझे फायदा है, न सिर्फ बीमारी को ट्रीट करेगा बीमारी से बचाएगा भी सही मुझे, तो फिर इंसान वक्त निकाल सकता है इसके लिए। अगर इसको अहमियत दें, इसको प्रायोरिटी पे ले आए, टॉप प्रायोरिटी पे ले आए, तो फिर इंसान कर सकता है। और एक्सरसाइज के लिए सबसे जरूरी होता है कि जो सबसे मुश्किल स्टेप होता है कि आप ने शुरू कैसे करनी है, यानी कि आपने जूते पहनने हैं, कपड़े पहनने हैं, वो बाहर निकलना है, वो जो स्टेप सबसे मुश्किल होता है। अगर इंसान उस स्टेप को क्रॉस कर जाए ना, फिर एक्सरसाइज करना आसान हो जाता है। राइट, मतलब शुरू में आपको थोड़ा सा होता है कि अब कौन उठेगा, जाके तय चेंज करेगा, लेकिन आप देखें कि आप जो पूरा दिन रूटीन अपनी गुजार रहे होते हैं वो यकीनन आपके लिए भी है और आपके प्यारों के लिए भी है। लेकिन ये जो टाइम है ना, ये भी बड़ा कीमती टाइम है, और जो लोग कंटिन्यू कर रहे होते हैं ना, आप उनसे पूछें तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने अपनी लाइफ में कितनी चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल करके रखी हुई हैं, सिर्फ अपनी डाइट और अपनी एक्सरसाइज। जितने एथलीट्स हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, आप देखें कितने फिट होते हैं, उनकी उनकी लाइफ में लाइफ बहुत होती है, ज़िंदगी को वो ज़िंदगी की तरह जी रहे होते हैं। क्या फ़ायदा, शुगर भी हो गई, ब्लड प्रेशर भी है, ये वो तमाम चीज़ें जो बहुत हद तक आपके हाथ में होती हैं कि आप अपनी खुराक के ज़रिए। लोग क्या कहते हैं अगर आप जिस एक्सरसाइज करते हैं, अभी मेरी बड़ी बहस होती है लोगों से इस पर, खाने खुराक के हवाले से, तो कहते हैं एक ज़िंदगी मिली है, रब की दी हुई नेमतें हैं, क्यों ना खाएँ। डॉक्टर साहब क्या कहा जाए फिर ऐसे लोगों को? समझाया जा सकता है कि जी ये ज़िंदगी तो वाकई मिली है, लेकिन इस जिंदगी नेमतों को नेमतों की तरह खाओ ना। बात बिल्कुल सही है कि इंसान का दिल तो चाहता है कि वो सब कुछ खाए भी और जरूरत से ज्यादा भी खाए, लेकिन ये कि अगर उनको थोड़ा समझाया जाए ना, एक एतदाल तरीके से एतदाल रखें, आप खाएं भी जरूर, और ये कि खाना इंसान इंजॉय भी कर सकता है, जरूरी नहीं कि इंसान इंजॉय ना करे। हम ये नहीं कहते कि जी आप खाने को इंजॉय करना छोड़ दें, आप खाएं लेकिन इतना खाएं जितनी ज़रूरत है, एक्सरसाइज करें, इससे आपका जैसे कहते हैं ना ज़िंदगी को भरपूर, जैसे आपने बताया कि फुल ऑफ लाइफ, ज़िंदगी को आप भरपूर तरीके से गुजार सकते हैं। वरना यह कि फिर आपको बीमारियां शुरू हो जाती हैं, आपकी ज़हनी सलाहियतें, जिस्मानी सलाहियतें मुतासर होती हैं। वक्ती तौर से तो अच्छा लग रहा होता है कि जी बस मैं ये भी खा लूँ, वो भी खा लूँ, और ये भी कर लूँ, और रिलैक्स रहूँ, और टीवी देखता रहूँ, रिलैक्स रहूँ, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म नुकसान जो हैं वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ये जो डिजीज़ है पार्किंसन, जो राशा जिस हवाले से हम बात करें, डॉक्टर साहब ने कहा एक मेडिसिन दी जाती है जिसके ज़रिए आपके केमिकल को कंट्रोल किया जाता है, क्या कोई सर्जरी वगैरह भी की जा सकती है इसमें ताकि आप नॉर्मली थोड़ा बहुत अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकें? जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल है ये। पिछले 10-20 सालों में ख़ास किस्म की सर्जरी, क्योंकि हमें ये तो पता है कि ये दिमाग का कौन सा हिस्सा इसमें मुतासर होता है, ठीक है, तो उस दिमाग के हिस्से को एक नई सर्जरी आई जिसको अंग्रेजी में डीप ब्रेन स्टिमुलेशन कहते हैं, DBS कहते हैं। तो उसमें यह है कि कुछ इलेक्ट्रोड्स होती हैं, वायर्स होती हैं, जो न्यूरोसर्जन हैं वो दिमाग के अंदर ना बहुत ही पतली सी होती हैं, वो उन ब्रेन के हिस्सों में लगा देते हैं, इम्प्लांट कर देते हैं, और उसकी बैटरी यहाँ लग जाती है जो हल्के हल्के करंट देती रहती है उस ब्रेन के उस हिस्से को जो काम नहीं कर रहा होता, अच्छा ओके, ताकि वो काम करे। Right. तो उससे भी बहुत सारे जो ऐसे पेशेंट जो दवाइयों तो से हमने बैटरी लगाई जाती है। हाँ, जिस तरह किसी को पेसमेकर का नाम सुना होगा आपने, कि पेसमेकर लग जाता है और हार्ट से कनेक्ट होता है और वो मुस्तकिल हार्ट बीट जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजता है, वैसे ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ब्रेन के उस हिस्से को जाते हैं ताकि वो ब्रेन का हिस्सा स्टिमुलेट होता रहे। तो फिर आप बिल्कुल नॉर्मल लाइफ स्पेंड करते हैं, फिर बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाते हैं, लेकिन ये उन पेशेंट्स को देते हैं जो दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो सकते हैं। और जाहिर है कि ये टेक्निकल चीज है, पाकिस्तान में रिसेंटली लाहौर में किसी सेंटर में शुरू हुई है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन,
अभी कराची में कराची में भी शुरू नहीं अभी नहीं। तो डॉक्टर साहब ये अगर आप इस तरह की डीप ब्रेन स्टिमुलेशन आप कह रहे हैं DPS जिसे कहते हैं ये अगर आप करवाते हैं तो ये एक तो डॉक्टर साहब ने कहा कि स्टार्ट में पहले मेडिसिन से जिस तरह हमारे यहाँ शुगर में होता है कि पहले मेडिसिन देते हैं उसके बाद इंसुलिन पर लेकर आते हैं वो खैर मुख्तलिफ बात है उस पर तो लोगों के बड़े एतराज़ात भी हैं कि शुरू में क्यों नहीं इंसुलिन लगाई जा सकती बट यहाँ पर डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि स्टार्ट में मेडिसिन दी जाती है उसके बाद फिर सर्जरी तो अभी स्टार्ट हुई है तो अभी इतनी कॉमन भी नहीं होगी इतना ज़्यादा लोग ज़ाहिर है कि इतनी कॉमन नहीं है और ये उन लोगों के लिए हम आमतौर से रिजर्व करके रखते हैं जो दवाई से कंट्रोल नहीं होता तो ये कितने अरसे मतलब ये तो लाइफ टाइम डिजीज़ है ना तो फिर ये क्या इसको भी इस पर भी आपको कुछ अरसे बाद दोबारा सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है या एक बार करवा ली आपने तो लाइफ टाइम ये आपको सपोर्ट करेगी एक मरतबा करवा ली तो बैटरी लगी हुई है इलेक्ट्रोड्स लगी हुई हैं और अगर उनका इफेक्ट जो है वो आपको फ़ायदा मंद नज़र आ रहा है तो ये चलती रहेगी उसकी हम डोज को कैलकुलेट करते रहते हैं और कोई बाज़ का फिर ऐसी भी स्टेज आ जाती है पार्किंसन के अंदर कि बिल्कुल ही एंड स्टेज पे पहुंच जाते हैं जब कुछ भी काम नहीं करता तो फिर ये भी चीज़ भी काम नहीं करेगी ये भी नहीं करेगी फिर वो निकाली भी जा सकती है ओके राइट अच्छा डॉक्टर साहब अगर ऐसा मरीज हो जो ब्लड प्रेशर का भी शिकार है जो शुगर का भी मरीज है या कोई और भी प्रॉब्लम उसकी बॉडी में मौजूद है और उसके साथ साथ पार्किंसन भी है तो उसकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल है ज़ाहिर है कि उसकी ज़िंदगी मज़ीद पेचीदा हो जाएगी इसलिए कि ब्लड प्रेशर है शुगर है इन सब के कंट्रोल के अंदर जो है फिजिकल एक्टिविटी हरकत जिस्मानी हरकत वर्जिश का बहुत बड़ा रोल आ जाता है तो जिनको पार्किंसन डिजीज होती है उनके लिए चलना फिरना एक्सरसाइज करना हरकत करना और भी मुश्किल हो जाता है तो फिर उन दवाइयों का बीमारी का कंट्रोल भी और मुश्किल हो जाता है right. तो जाहिर है कि पेचीदगियाँ तो बढ़ जाती हैं पेचीदगियाँ बढ़ जाते हैं इसलिए आप कोशिश करें कि जितना बीमारियों से आप बच सकें उतना बेहतर होगा जैसे कुछ अर्से पहले हमारे पास क्योंकि डॉक्टर साहब काफ़ी दिनों बाद आए हैं तो एक ईमेल आई थी और उसमें सवाल ये था कि अक्सर लोगों को आपने देखा होगा कि गर्मी है तो गर्मी में वैसे लोगों को बहुत ज़्यादा सर में दर्द की शिकायत रहती है या वैसे भी कहते हैं कि खून को पतला रखा जाए ताकि जो है वो आपको कहते हैं सर का दर्द नहीं रहता तो लोग एक बड़ी आम सी मेडिसिन है जो खून पतला करने के लिए इस्तेमाल की जाती है सर के दर्द में कुछ लोगों के लिए बहुत मुफीद साबित होती है उसका इस्तेमाल भी करते हैं लेकिन वैसे भी लोग खून पतला करने के लिए क्या मेडिसिन का जो इस्तेमाल करते हैं वो बेहतर है करना चाहिए देखिए ये तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया इसलिए कि खून को पतला करने की खास इंडिकेशंस होती हैं अगर किसी को दिल की बीमारी है दिल का दौरा पड़ चुका है दिल की शरियाने तंग हैं या उसको दिमाग में जिस तरह भी यूसुफ साहब ने सवाल किया था कि फालिज का अटैक हो चुका है दिमाग में खून की शरियाने तंग हैं या बंद हैं या पाँव में टांगों में खून की सप्लाई नहीं जा रही ऐसे मरीजों को तो खून पतला करने की दवाई की जरूरत पड़ती है ओके वो भी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं आप अपनी मर्जी से नहीं सोच सकते कि मुझे खून पतला करना है अपना नहीं बिल्कुल नहीं करना चाहिए इसलिए कि देखिए एस्पिरिन भी एक दवाई है अगर आप मुस्तकिल बगैर किसी बीमारी के आप खाते रहेंगे ये सोच के कि जी मेरा खून पतला रहे और मुझे कोई बीमारी ना हो तो आपको बहुत बड़ा एक साइड इफेक्ट होता है गैस्ट्रिक अल्सर आपको स्टमक में अल्सर हो सकता है जो जो क्योंकि खून को पतला करता है तो इसमें ब्लीडिंग होने का चांस भी ज्यादा हो जाता है तो खुदा ना खास्ता अगर आप कहीं गिर गए सर में चोट लगी तो सर के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है वो ख़तरनाक हो सकती है आपके स्टमक में ब्लीडिंग हो सकती है पेशाब में ब्लीडिंग हो सकती है अगर आपको एक्सीडेंट हो जाए तो वहाँ ब्लीडिंग हो सकती है तो एक ये ऐसी दवाई है जो कि साइड इफेक्ट्स वाली दवाई है राइट मतलब से नहीं लेनी चाहिए विदाउट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के और वो आपको सजेस्ट करेगा कि आया आपको कौन सी मेडिसिन लेनी है उसकी कितनी डोज लेनी है और कितने दिन तक लेनी है इस तरह इस्तेमाल करें अपनी जिंदगी से ना खेला करें एक कॉलर भी है अस्सलाम वालेकुम हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम कौन है हमारे साथ मैं मिसेस अकबर बोल रही हूँ सना क्या हाल चाल है ठीक ठाक हो अल्लाह का शुक्र आप मैं बहुत पुराना आपका प्रोग्राम देखती हूँ कई दफा कोशिश किया कॉल करने की मेरी कॉल ही नहीं मिली अच्छा ले मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने प्रोग्राम में कॉल की जी मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी थी बात कीजिए वालेकुम सलाम जी मेरा मसला ये है कि डॉक्टर साहब 2-3 साल पहले मुझे गर्दन का वो हुआ मसला कहते जी ये वो आपके वो नर्व कमजोर हो गए उसके बाद फिर मेरी MRI हुई है तो मुझे मसला है कि ये कमर के जो लेफ्ट साइड के मोरे हैं यहाँ से पेन शुरू होके थाई में घुटने में और पैर तक जा रही है खड़े हो नहीं खोल सकती मैं बैठ भी नहीं सकती जो एक डेढ़ घंटे से ज्यादा बैठा नहीं जाता बस लेटी रहूं तो ठीक रहती हूँ तो कहते हैं MRI में कहते हैं कि जो आपके मोरे हैं ना ये नैरो हो रहे हैं इसके बारे में कुछ आप मुझे गाइड करें राइट आप कहाँ से कॉल करिए मैं बहावलपुर से कॉल थैंक यू आपकी कॉल का जी डॉक्टर मिस असगर ने ऐसी तकलीफ बताई जो बड़ी आम तकलीफ है जिसको तो इनकी जैसे तकलीफ है कि ये कहती हैं कि मेरे एक तरफ से दर्द शुरू के टांग में जाती है तो इसका मतलब है कि एक खास नर्व रग या नस जो है वो कमर में उस पर प्रेशर है दबाव है
जिसकी वजह से इनकी तकलीफ हो रही है, ठीक है। तो इसमें अगर हम पहले तो जाहिर है कि जैसे उन्होंने सही जिनके डॉक्टर ने बताया कि MRI किया, MRI से हमें अंदाजा हो जाता है कि उस नर्व पे कितना प्रेशर है, कोई डिस्क आमतौर से डिस्क बाहर निकल जाती है। शियाटिका पेन का जिक्र करें? जी हाँ बिल्कुल, शियाटिका भी कह सकते हैं। तो ऐसी 90% ऐसी तकलीफें तो बगैर ऑपरेशन के दवाइयों से, फिजिकल थेरेपी से और कमर का ख्याल करने से ठीक हो जाती हैं, लेकिन ये कि 10% ऐसे भी होती हैं जो कि नहीं ठीक हो पाती हैं, उसमें फिर बाज़ का सर्जरी की ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है वो प्रेशर हटाने के लिए। ऑलराइट, अच्छा तो फिर आप इनको क्या सजेस्ट करेंगे कि ये पहले अभी फिजियोथेरेपी की तरफ चले जाएं? जाहिर है कि पहले तो उनको न्यूरोसर्जन को या न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए जो कि फैसला करे कि इनकी तकलीफ कितनी शदीद है, उनकी MRI की तस्वीर वो देखेगा, इनका मुआयना करेगा, फिर ये फैसला करेगा कि क्या करना चाहिए। राइट, अच्छा आप लोग ये सोच रहे होंगे कि डॉक्टर साहब एग्जैक्टली आपको कोई चीज क्यों फिगर आउट करके नहीं बताते, इसलिए क्योंकि ये इतनी टिपिकल सिचुएशन होती है ना कि इसमें जब तक डॉक्टर साहब हिस्ट्री नहीं ले लेंगे, आपकी रिपोर्ट नहीं देख लेंगे, तो बगैर कुछ किए सिर्फ आपको यही सजेस्ट किया जा सकता है कि आया क्या रास्ता है और आपको किस तरह उस तरफ जाना है। तो इसलिए बाकी अगर आप लोग डॉक्टर साहब से कांटेक्ट कर लेंगे और इनके पास आके चीजें दिखा देंगे तो ज्यादा, क्योंकि एक सोच आती है ना कि आपको सजेस्ट क्यों नहीं की जा रही चीजें, तो इसी तरह आसानी से जो है वो ये तरीकेकार नहीं होते कि आपको कोई भी एक मेडिसिन बता दी जाए और आप उसका इस्तेमाल कर लें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो हम अभी जिस तरह आपने इनको सजेस्ट किया कि फिजियोथेरेपी आप करा सकती हैं, सो जो पार्किंसन डिजीज की हम बात कर रहे थे जिसमें आपकी बॉडी स्टिफ हो जाती है, क्या उसमें भी फिजियोथेरेपी हेल्प करती है? बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करती है उसके अंदर, उनको तो हम यही सजेस्ट करते हैं कि फिजियोथेरेपी करवाते रहें। और फिजियोथेरेपी में भी ये मकसद नहीं होता कि आपने हफ्ते में 3 दिन के लिए फिजिकल थेरेपिस्ट आया, उसने आधे घंटे के लिए एक्सरसाइज कराई और चला गया, सिर्फ ये काफी नहीं है। वो एक्सरसाइज खुद सीखनी चाहिए और दिन में कई मरतबा करनी चाहिए, खुद से करनी चाहिए। जब तक वो खुद से करते रहेंगे तो आपके फिर अपने मसल स्ट्रांग रहेंगे, तो बहुत बड़ा रोल है इसका। अच्छा पहले जो है ये शायद पहले बहुत, मैं भी बहुत पुरानी नहीं हूँ जो पहले पहले की बातें करती हूँ, लेकिन बात मेरा कहने का मकसद ये है कि अब बच्चे जो हैं हमारे वो बहुत कंप्लेन करते हैं कि सर में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, लेकिन ये कंप्लेंट्स आप जब बड़ों को कहते हो कहते हैं बच्चों को कहाँ सर का दर्द होता है, बच्चों को सर में दर्द नहीं होना चाहिए। ये बेसिकली एक बड़ों की बीमारी समझी जाती है कि डिप्रेशन की वजह से, टेंशन की वजह से, परेशानी की वजह से आपको सर में दर्द हो रहा है, लेकिन आज बहुत छोटे छोटे से बच्चे जो हैं वो ये कंप्लेन करके बैठे हुए होते हैं अंधेरे कमरे में या इधर उधर के, मुझे सर में दर्द हो रहा है। तो उन बच्चों के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या करना चाहिए अगर आपके घर में ऐसा बच्चा है जो ये कंप्लेन करता है कि मुझे सर का दर्द है? चलिए ये तो शुक्र है कि वो कंप्लेन कर तो सकता है कि हम इस दौर में पहुंच गए कि बच्चे अपनी बात को बड़ों के सामने खुल्लम खुल्ला बयान आजादी से बयान कर सकते हैं, शायद ये वजह भी है। पहले बच्चे शायद इतने खौफजदा रहते हो कि करते ही ना हो, लेकिन ये कि ये अच्छी बात है कि वो बता सकते हैं। माइग्रेन हेडेक बच्चों में भी बहुत कॉमन है और सिर्फ सरदर्द की सूरत में जाहिर नहीं होता, उसमें और भी सिम्टम्स हो सकते हैं, उनको चक्कर आ सकते हैं, उनको मतली हो सकती है, उनको बाज़ का समझ नहीं आती है कि जो मुझे तकलीफ हो रही है मैं कैसे बयान करूं। तो बच्चों में भी माइग्रेन हेडेक हो सकता है और उसके बहुत अच्छे इलाज मौजूद हैं, वो सिर्फ दवाइयों से ही, चंद एक ऐसी दवाइयां जो हमको दें तो उनसे इलाज हो सकता है। अच्छा क्या नजर की कमी की वजह से भी सर का दर्द होता है? ये तो आपने जना बिल्कुल ऐसा सवाल किया कि बहुत बड़ी गलतफहमी लोगों की दूर हो सकती है इससे। नजर की कमी से सर दर्द का कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, नजर की कमी से आंखों पे दबाव पड़ सकता है, आपको धुंधला नजर आ सकता है, लेकिन सर में दर्द नहीं हो सकता। अच्छा, ओके राइट, ये बहुत ज्यादा कंप्लेन होती है कि अच्छा सर में दर्द है, ओके नजर चेक कराते हैं, शायद नजर की कमी की वजह से हो रहा है। तो ये एक मिथ जो मिथ बना हुआ है डॉक्टर साहब ने उसको क्लियर कर दिया। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके आने का, आप आते हैं हमें बहुत सारी चीजें बता के जाते हैं। वैसे फिर से जाते जाते ये कहूंगी कि रब हमें बीमारियों से बचाए और हमें तौफीक दे के हम अच्छी और बेहतर जिंदगी जी सके और रब का शुक्र अदा कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज, सलाम पाकिस्तान।